हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। हम स्टडी कर रहे हैं प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे मॉलिक्यूल में अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग रेफर कर रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटन्स को। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स लाइक इस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अनहाइड्राइड, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कैसे अगर हमारे मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन प्रेजेंट होंगे तो उसका प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। Different types of groups or protecting species which are used to protect the aldehyde or ketone. Suppose we have this ketone, ठीक है, R1 carbonyl group and R2, ठीक है, it can be aldehyde। अगर R1 H होगा तो ये हो जाएगा aldehyde, और अगर alkyl और aryl रहा तो ये हो जाएगा ketone, ठीक है, it can be aldehyde or it can be कीटोन। जब भी अल्डिहाइड या फिर कीटोन रिएक्ट होगा अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन का प्रोटेक्शन करते हैं वो हमेशा होता है एसिड में, ठीक है। तो जब भी अल्कोहल प्रेजेंट होगा तब इसकी रिएक्शन होगी और यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरह से आर वन आर टू, और ये फॉर्म हो गया ओ आर एंड ओ आर, ये हो गया एसिटल फॉर्म, ठीक है। ये है हमारा असाइक्लिक एसिटल, असाइक्लिक एसिटल। इसके डी प्रोटेक्शन के लिए अगर हम लोगों ने इसमें एसिड ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, इजीली क्लीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन चला जाता है और इस तरह से हमारे एसिटल ऐड, अल्कोहल ऐड हो जाता है और इस तरह से ये असाइक्लिक एसिटल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। मैंने यहाँ पे ये सारे रिएजेंट्स लिख लिए हैं, प्रोटेक्टिंग स्पीसीज विच आर यूजफुल हियर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द अल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे ऑर्थो ईस्टर, मतलब कौन से, ट्राई अल्किल ऑर्थो फॉर्मेट्स, ओके। जब ऐसे रिएजेंट हमारे अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है R1, R2 और यहाँ पे फॉर्म होता है OET और OET, ठीक है। तो इस तरह से भी हम हमारे कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डायोल। डायोल जब भी हम लोग यूज करेंगे या फिर थायोल्स हम जब भी यूज करेंगे तब वहां पे फॉर्म होंगे साइक्लिक एसिटल्स, ठीक है। यहाँ पे भी एसिटल फॉर्म हुआ है लेकिन ये एसिटल क्या है, ये भी असाइक्लिक एसिटल है। तो जब भी हमारे मॉलिक्यूल के साथ अल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा उसके साथ जब हमारा डायोल रिएक्ट होगा तो वो इस तरह से फॉर्म करेगा साइक्लिक एसिटल, और इसे ही कहते हैं 1,3-dioxylene, ठीक है, 1,3-dioxylene फॉर्म होता है। इसी को कहते हैं एसिटलाइजेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन कब होता है, डायोल्स का जब हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन तब हम लोग यूज करेंगे एम्बरलिस्ट 15, पीपीटीएस और TSOH, ठीक है। ये है हमारे एसिड कैटलाइज, ठीक है, इनके प्रेजेंस में होता है इस तरह से प्रोटेक्शन, एंड क्लीवेज के सब रिएजेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थायोल। इसके साथ जब हमारी रिएक्शन होगा हमारे अल्डिहाइड या फिर कीटोन का तो फॉर्म होगा एस एस, यहाँ पे भी फॉर्म होगा साइक्लिक, और ये दोनों सेम दिख रहे हैं बराबर, यहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय सिर्फ क्या है, सल्फर। तो इसको भी कहते हैं 1,3-dithiolene, dithiolene, ओके। यहाँ पे क्या है, थायो ग्रुप है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा वही ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ दो कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से R R, और यहाँ पे आ गए S S, और ये इस तरह से थोड़ी बड़ी रिंग फॉर्म होगी, सिक्स मेंबर रिंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है, देखो 1,2,3,4,5,6, ओके। और इसको कहते हैं 1,3-dithiolene, 1,3-dithiolene, ओके। इस तरह से ये हो गए हमारे
प्रोटेक्टिंग स्पेसिस। तो जब भी अल्कोहल होगा या फिर ऑर्थोइस्टर होंगे या फिर डायोल्स होंगे या फिर थायोल्स होंगे, जब ये रिएजेंट्स प्रेजेंट होंगे और हमको प्रोटेक्ट करना हो हमारे एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स को, तो हम इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज एसिड कैटलिस्ट। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दिस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, इनमें से कोई भी एक एसिड कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन कंडीशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रोटेक्टिंग स्पेसिस, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का। सो फॉर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, फॉर प्रोटेक्शन सपोज करो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन, R1 and R2, ठीक है। ये R1 अगर हाइड्रोजन रहा तो हम कह सकते हैं, R1 या फिर R2 में से कोई भी अगर हाइड्रोजन रहा तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एल्डिहाइड है। अगर दोनों ही अल्किल ग्रुप या फिर अरिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे वो क्या मॉलिक्यूल है, कीटोन है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, जब भी हमको एल्डिहाइड या फिर कीटोन को प्रोटेक्ट करना होगा तो वो हम कौन से कंडीशन में करेंगे, हमेशा एसिडिक कंडीशन में करेंगे। क्यों, क्या होता है एसिडिक कंडीशन में, यहाँ पे है हमारा कार्बोनिल, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, उसके ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से ये फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज यहाँ पे, ठीक है। ये कार्बन क्या हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका प्रोटेक्शन करना है हम लोगों को। तो जब भी हमारे पास ये डायल होगा, ये क्या करेगा, अब ये जाके रिएक्ट होगा कार्बोनिल कार्बन के यहाँ पे, यहाँ पे वो रिएक्ट नहीं हो सकता था, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिएक्टिव सेंटर तैयार किया, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज की, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है, डायल है, ठीक है, 1,2-diol, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या करेगा, ये अब अटैक करेगा यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे, ठीक है। ये होने के बाद ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन के पास, और हम लोगों को मिलेगा इस तरह से R1 R2, ये हो गया हमारा OH, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, और यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरह से OH, और ये हो गया एक और कार्बन आएगा OH, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, ये जो कार्बोनिल बॉन्ड था, ये एक ब्रेक हुआ ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ये ऑक्सीजन था उस पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो बहुत ही अनस्टेबल था, इस वजह से ये कार्बोनिल, ये जो डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हुआ ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा डायल का ऑक्सीजन है, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज पे अटैक करेगा, और इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, इलिमिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज अवर इलिमिनेशन ऑफ H2O, ये क्या होगा, ये OH चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और ये जो हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, R1 उसके बाद R2, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन CH2 CH2 OH, ठीक है। ताकि यहां से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या करेगी, इस कार्बन पे अटैक करेगी, और हमको मिलेगा प्रोटेक्शन ऑफ डायल, यहाँ पे होगा R1, ये हो गया R2, और ये हो गए ऑक्सीजन, और इस तरह से फॉर्म हो गया, प्रोटेक्शन हो गया हमारे कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पे इलिमिनेशन किसका हो रहा है, H2O का इलिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन
इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पे डायरेक्टली ये रिएजेंट रिएक्ट नहीं होता था. ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस फॉर्म करनी थी, इसलिए हम लोगों ने एसिड में क्या किया, इसका प्रोटेक्शन किया. और हमेशा एसिड में ही अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रोटेक्शन होता है. ठीक है, ये हो गया प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म. अब देख लेते हैं डी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म. ठीक है, डी प्रोटेक्शन देख लेते हैं डी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म. तो हमारे पास मॉलिक्यूल है. ठीक है, हमारा जो मॉलिक्यूल प्रोटेक्टेड मॉलिक्यूल है उसको कंसीडर करेंगे. ठीक है, इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल है. ठीक है, प्रोटेक्ट किया हुआ डायल के साथ R1 और यहाँ पे है R2. ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा कि इसका डीप्रोटेक्शन किस में होता है, हमेशा एसिडिक कंडीशन में होता है. हम लोगों ने बहुत सारे रिएजेंट देखे क्लीवेज करने वाले, TSOH, एम्बरलिस्ट 15.5% HCl इन H2O. ठीक है, इस तरह से ये जो सारे एसिड्स हैं इनके प्रेजेंस में, यानी H+ आयन के प्रेजेंस में क्या होता है, इस डायल का ये जो फॉर्म हुआ है डायऑक्सिलीन का, इसका क्या हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है और फॉर्म होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन. तो अब क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होगा. यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, H+ आयन्स के साथ रिएक्ट होगा और क्या फॉर्म करेगा, इस तरह से ये R1, ये R2. ठीक है, R1 और ये R2 हो गया. यहाँ पे आ गया ये ऑक्सीजन और इस तरह से ये हो गया OH और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इस तरह से मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया था, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बहुत ही अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद उसके पास, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन के तरफ और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस तरह से O1, 2, 3. ये हो गया OH, ये हो गया R1 और ये हो गया R2 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जब भी हम रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन के बाद हम इसमें डालेंगे H2O. ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे H2O. ठीक है, मैंने वहां पे लिखा था कि एसिड होगा और इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, H2 होगा. तो H2O को कैसे लिखेंगे हम लोग, H+ और OH-. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो माइनस OH- पार्ट है ये क्या करेगा, इस प्लस, ये जो कार्बन जो है यहाँ पे, इसके साथ क्या हो जाएगा, इस तरह से अटैक करेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा R1, R2 और ये हो गया OH और ये हो गया ऑक्सीजन और ये इस तरह से OH. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, वो ये इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ लेके जाएगा और फॉर्म करेगा R1, R2 और ये हो गया OH हमारा मॉलिक्यूल. इसने ले लिए इसके पास से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज और सिंस उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे O-. ठीक है, O-, ये O- और ये H+ कंबाइन होंगे और फॉर्म होगा यहाँ पे हमारा फिर से डायल. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा. ठीक है, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास वो ब्रेक होगा, वो बॉन्ड है इस तरह से, वो बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से और वहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज R2, R1, ये पॉजिटिव और निगेटिव कंबाइन होंगे और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड. ठीक है, तो इस तरह से ये है मैकेनिज्म. ठीक है, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, एसिड में हो रहा है, प्रोटेक्शन भी बहुत ही सिंपल है. ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन, ये हो गया हमारा डी प्रोटेक्शन. इस तरह से हमको मिल गया हमारा अल्डिहाइड और ये है हमारी प्रोटेक्टेड स्पीसीज. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं. अगर आप लोगों को किसी ने पूछा कि इसका मैकेनिज्म बताओ, तो इस तरह से आप उसका मैकेनिज्म किसी को भी बता सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरह से मैकेनिज्म. ये जो H+ आयन है ये कहाँ गया, ये गया अपने मीडियम में. ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ से लिया था वो H+ आयन, वो फिर से क्या हो जाएगा, ये किस में प्रेजेंट था, मीडियम में प्रेजेंट था, हमारे एसिडिक मीडियम में. ठीक है, H+ मीडियम
तो वहीं पे वो क्या हो गया, H प्लस यहां से जाएगा, O माइनस होगा और H प्लस कहां जाएगा, हमारे मीडियम में चला जाएगा. ठीक है, यहां पे लिखती हूं माइनस H प्लस, इट गोज इनटू द गिवन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो इस तरह से है ये प्रोटेक्शन और डीप्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो चलो इस प्रोटेक्शन और डीप्रोटेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, इस तरह से हमारा मोलिक्यूल है. ठीक है, यहाँ पे है बी आर. ओके, और मुझे रिएक्शन करनी है बी आर पे, और मुझे यहाँ पे कार्बोनिल पे रिएक्शन नहीं करनी है. तो मैं क्या करूंगी, इसका प्रोटेक्शन कर लूंगी सी एच टू सी एच टू ओ एच. ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया बी आर और ये हो गया इस तरह से प्रोटेक्शन. ठीक है, ओ ओ, और ये हो गया हमारा साइक्लिक एसिटल फॉर्म. इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी एस ओ एच. ठीक है, एसिडिक मीडियम में हो जाएगा प्रोटेक्शन. अब मैं क्या करूंगी, इसकी रिएक्शन करती हूँ मैग्नीशियम के साथ, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, ओ ओ, और इस तरह से ये फॉर्म हो गया एम जी बी आर. ठीक है, तो ये था मेरा रिएक्शन. यहाँ पे मुझे क्या करना था, बी आर पे रिएक्शन करनी थी, कार्बोनिल के साथ रिएक्ट नहीं करना था, तो मैंने कार्बोनिल को कर लिया प्रोटेक्ट. उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसका डी प्रोटेक्शन कर लेंगे. इजीली इसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस एंड एच टू ओ. ठीक है, और मुझे मिलेगा इस तरह से ये स्पीसीज. ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल. हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जिसमें होता है क्या वो हम देख लेते हैं. सपोज करो मेरे पास ये मोलिक्यूल है. ठीक है, यहाँ पे है कार्बोनिल और यहाँ पे है डबल बॉन्ड. ये है अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, जब भी इसकी रिएक्शन होती है हमारे डायल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे फॉर्म होता है, प्रोटेक्शन हो जाता है कार्बोनिल का, और यहाँ पे हमको मिलता है प्रोडक्ट कुछ इस तरह से. ओ ओ, ये हो गया प्रोटेक्शन, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है वो हो जाता है शिफ्ट. तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड माइग्रेशन, डबल बॉन्ड माइग्रेशन. अगर हम लोगों को ऐसा डबल बॉन्ड माइग्रेशन अवॉइड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनादर टाइप ऑफ रिएजेंट विच इज नोन एज ओ टी एम एस, ओ टी एम एस. ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं इस तरह से ओ टी एम एस, इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लोरो TMSO TF ट्राइफ्लोरोइथीन सल्फोनेट. ठीक है, इसके प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हम लोग इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नो शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड और हमको हमारा जो प्रोडक्ट है नहीं यहाँ पे आ जाएगा ओ ओ, और ये हो गया हमारा इस तरह से. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा. ठीक है, ये हो गए एक रिएक्शन. जब हम ये डायल को कन्वर्ट कर रहे हैं ओ टी एम एस में, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एम ई थ्री एस आई, ओ एस आई एम ई थ्री. इसकी स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये माइग्रेट नहीं हो रहा है. ठीक है, इसी को कहते हैं आर नोयरी डेवलपमेंट. ठीक है, इसको कहते हैं आर नोयरी डेवलपमेंट, जिसमें डबल बॉन्ड का क्या होता है, माइग्रेशन नहीं होता. ठीक है, अगर हम लोगों को ये इस तरह से रिएक्शन कैरी आउट करना हो तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, ये है हमारा मोलिक्यूल. ठीक है, यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड, ये इसके जब हम रिएक्शन करेंगे डायल के साथ ओ एच ओ एच, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिटिक सी पी टी एस एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन. ठीक है, तब क्या होता है, इसका डबल बॉन्ड का माइग्रेशन नहीं होता है. ठीक है, वही रिएजेंट है लेकिन अगर सी पी टी एस के प्रेजेंस में किया तो वहां पे डबल बॉन्ड का माइग्रेशन नहीं होता है. ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी एस आई आर नेट एग्जाम. ठीक है, यहाँ पे जब हम लोगों ने नॉर्मल डायल लिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ,
लेकिन वही अगर प्रोटेक्शन हम लोगों ने इन प्रेजेंस ऑफ OTMs किया, ठीक है, इस रिएजेंट के सामने किया, इन रिएजेंट के साथ, तो उसको कहते हैं नॉइरिस का डेवलपमेंट। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग नहीं होता है। और अगर हमारा डायोल है लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंस के बजाय, इसके बजाय ये प्रेजेंट है CPTS, तो क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का माइग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से है ये एक रिएक्शन। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने एसिटल फॉर्म किया यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से SH, तो यहाँ पे इसका भी क्या होता है, माइग्रेशन नहीं होता और यहाँ पे फॉर्म हो जाता है इस तरह से ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम इसको माइग्रेट ना करने के लिए एक हिसाब से ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन डायल में क्या होता है, वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्लीव हो जाता है और वहां पे वो डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि कौन से कार्बोनिल ग्रुप हमारे रिएक्ट होंगे और कौन से कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट नहीं होंगे। तो चलो देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये है हमारे कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉर एसिटलाइजेशन केमोसिलेक्टिविटी के। ठीक है, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट होगा या फिर कौन से कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन होगा किस कार्बोनिल के ग्रुप में। कभी कभी क्या होता है, हमारा मोलिक्यूल होता है, हमको लगता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप होगा प्रोटेक्ट, लेकिन वो कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट नहीं होता है और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ CSIR नेट के एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कुछ लिखे हैं रूल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या होता है, जब भी हमारा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और वहां पे क्या होगा, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे है कीटोन और यहां पे है ईस्टर। यहां पे क्या है, कीटोन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ईस्टर, इसलिए इसका क्या हो रहा है यहां पे प्रोटेक्शन, और ईस्टर क्या रह गया वैसे के वैसे। ठीक है, तो जब भी हमारे मॉलिक्यूल में मोस्ट रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका होगा प्रोटेक्शन इन अ प्रेजेंस ऑफ लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भी लेस स्टेरिक कार्बोनिल ग्रुप होगा उसका होगा प्रोटेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मोर स्टेरिक कार्बोनिल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो ये एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो कीटोन है इसके पास क्या है, दो मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। दो मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा जिसमें होगा ऐसे कार्बन पे, ऐसे कार्बोनिल का प्रोटेक्शन जहां पे है लीस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यहां पे है एमी, यहां पे है एमी, तो यहां पे हमको क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला जहां पे क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड स्टेरिक हिंड्रेंस क्या था, वहां पे कम था यहां पे इस कार्बन के पास, इस वजह से इसका प्रोटेक्शन हो गया इस कार्बोनिल के पास, इसलिए इसका प्रोटेक्शन हो गया और हमको मिल गया इस तरह से हमारा प्रोटेक्शन। तो लीस्ट स्टेरिक कार्बोनिल ओवर मोर स्टेरिक कार्बोनिल। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ओवर लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेटेड कीटोन्स का प्रोटेक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल कीटोन। अगर हमारा मॉलिक्यूल है इस तरह से, इसमें है एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और एक है फ्री हमारा नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड, तो इन दोनों में से किसका प्रोटेक्शन होगा, तो किसका प्रोटेक्शन होगा, कंजुगेटेड कीटोन का प्रोटेक्शन होगा। तो ये है हमारा कंजुगेटेड कीटोन, तो इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं इस तरह से OTMs, ये कौन सा रिएजेंट है, नॉरीज रिएजेंट। ठीक है, नॉरी ने डेवलप की है ये रिएक्शन, TMSO TF में क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन होता है और यहाँ पे फॉर्म होता है इस तरह से ये मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन। ठीक है, यही बात हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं हमारे इथेनॉल के साथ, हमारे ग्लाइकॉल के साथ। ठीक है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ CPTS एंड बेंजीन, ठीक है, इन कैटालिटिक अमाउंट ऑफ CPTS। ठीक है, और हमको मिलेगा वही हमारा
मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें किसका प्रोटेक्शन होगा, इस तरह से हमारे कार्बोनिल का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रिएजेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे ये रिएजेंट्स प्रेजेंट है, ये याद रखना है। थर्ड ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। फोर्थ है हमारा साइक्लिक का प्रोटेक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ असाइक्लिक। अगर हमारा कीटोन, एक है असाइक्लिक एक है साइक्लिक, ठीक है, ये है हमारा असाइक्लिक कीटोन और ये है हमारा साइक्लिक कीटोन, तो किसका प्रोटेक्शन होता है, साइक्लिक कीटोन का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, तो इसका होगा प्रोटेक्शन और हमको मिलेगा हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से, ठीक है। ये है हमारा कार्बन और इसका हो गया प्रोटेक्शन इज इन दिस वे, ठीक है, और ये क्या रहेगा, वैसे के वैसे फ्री रहेगा, ठीक है। ये हो गया साइक्लिक ओवर असाइक्लिक। लेकिन ये हो गया प्रोटेक्शन के बारे में, जब हम डीप्रोटेक्शन करेंगे, हमारे मॉलिक्यूल में साइक्लिक एसिटल भी प्रेजेंट है और असाइक्लिक एसिटल भी प्रेजेंट है, तो किसका पहले डीप्रोटेक्शन होगा, वो भी एक प्रकार का स्केमोसिलेक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखो, ये है मेरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने ये दिखाया है असाइक्लिक एसिटल, यहाँ पे मैंने दिखाया है दो साइक्लिक एसिटल, वन इज 6 मेंबर्ड एंड अनदर वन इज 5 मेंबर्ड। तो यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे एसिड, ठीक है, CF3COOH इन प्रेजेंस ऑफ H+ एंड सम सॉल्वेंट, तो क्या होगा, यहाँ पे इनका डीप्रोटेक्शन किसका होगा, तो डीप्रोटेक्शन होता है इसका, असाइक्लिक का डीप्रोटेक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल, ये बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो वैसे के वैसे रहेगा और इस तरह से जब भी डीप्रोटेक्शन होता है, फॉर डीप्रोटेक्शन, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, ओके, बट फॉर डीप्रोटेक्शन क्या होता है, असाइक्लिक ओवर साइक्लिक, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी असाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे और हमको उनको उनमें से कौन सा प्रोटेक्ट होगा, तो जब भी साइक्लिक होगा उसका प्रोटेक्शन होता है, और जब हम डीप्रोटेक्शन की बात करते हैं, तब जब हमारा असाइक्लिक एसिटल होगा वो जल्दी से क्लीव हो जाता है एज कंपेयर टू साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक एसिटल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू असाइक्लिक एसिटल्स की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। नेक्स्ट रूल है, अगर हमको एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना हो इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन में तो क्या करेंगे, तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इस रिएक्शन में। सपोज करो ये हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें है ये कीटोन और एल्डिहाइड, तो ये जब हमारा ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो इसलिए हम यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कीटोन को। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, पहले हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे Me2S से, ठीक है, डायमिथिल सल्फाइड से रिएक्शन होगा एल्डिहाइड का, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड है, तो इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ और इस तरह से ये क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा इस एल्डिहाइड का। सिंस अभी एल्डिहाइड फ्री नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, इस कार्बोनिल का कीटोन का प्रोटेक्शन कर लेंगे बाय यूजिंग दिस रिएजेंट, ठीक है। ये हो गया, ये रिएजेंट के साथ प्रोटेक्शन के बाद इस तरह से ये हो गया कार्बोनिल का प्रोटेक्शन कीटोन का, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एल्डिहाइड को फ्री कर लेंगे इस तरह से K2CO3 ऐड करके, ठीक है। तो ये हो गए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इन ऑर्डर टू रिमेंबर Whenever we have to carry out protection of carbonyl compounds, carbonyl compounds के जब भी हम protection carry out करेंगे, अगर हम लोगों को ऐसे molecules दिए जाए जिनमें क्या होगा, one या one से ज़्यादा carbonyl group present होंगे और हम लोगों को चार options दिए गए होंगे net के exam में और हमको find out करना है कि कौन से carbonyl group का protection होगा, तो ये जो सारे rules है, कितने रूल से, 5 रूल से, ठीक है, आपको यही ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, जब भी एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करना होगा तब। तो ये जो 4 रूल से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोर रिएक्टिव ओवर लीस्ट रिएक्टिव एक ही मॉलिक्यूल में जब होंगे तब, ठीक है, लेस रिएक्टिव ओवर मोर रिएक्टिव,
सॉरी लेस स्टेरिक ओवर मोर स्टेरिक, जहां पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां पे प्रोटेक्शन नहीं होगा अगर लेस स्टेरिक कंपाउंड या फिर कार्बोनिल प्रेजेंट होगा तो. नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड कीटोन और नॉर्मल कीटोन. कॉन्जुगेटेड पे होगा रिएक्शन एज कंपेयर टू नॉर्मल कीटोन पे, ठीक है. नेक्स्ट है अगर साइक्लिक और असाइक्लिक ऐसे दो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो प्रोटेक्शन किसका होगा, साइक्लिक का होगा. ये रहा प्रोटेक्शन के बारे में. और अगर डी प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो डी प्रोटेक्शन के लिए असाइक्लिक ओवर साइक्लिक, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो चलो अब बात करते हैं हम सल्फर एसिटल्स की. तो जब भी हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, ठीक है, या फिर हमारा नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो उसको अगर हम लोगों को प्रोटेक्ट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे, वी कैन रिएक्ट इट विद द डायथायल. और या फिर हम लोग उसकी रिएक्शन कर सकते हैं इस तरह से 1, 2, 3 थायल, ठीक है, डाई थायल. इस तरह से इससे भी रिएक्शन कर सकते हैं. इससे अगर रिएक्शन की तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड एसिटल फॉर्म होगा. यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है, 5 मेंबर्ड एसिटल फॉर्म हो रहा है, ठीक है. तो सपोज करो ये है हमारा मोलिक्यूल, इसको मैंने प्रोटेक्ट किया इस सल्फर एसिटल से और फॉर्म हुआ यहाँ पे 5 मेंबर्ड एसिटल. तो जब भी हमारे पास सल्फर एसिटल होगा इसका डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं रिएजेंट. इसका डी प्रोटेक्शन होता है HG में, ठीक है, HgCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. जब भी ऐसा होगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये सल्फर एसिटल निकल जाएगा और यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बोनिल, ठीक है. ये हो गया हमारा कार्बोनिल. यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल लिया था, ठीक है. अगर मैंने नॉर्मल कार्बोनिल लिया होता फिर भी ऐसी रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, ये याद रखना है. अगर मैंने इसका डी प्रोटेक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ रैनिनिकेल H2, ठीक है, रैनिनिकेल में इसका डी प्रोटेक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सर्टन सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, डीसल्फराइजेशन हो जाता है और मुझे मिलता है मोलिक्यूल इस तरह से. यहाँ पे क्या होगा, सल्फर निकल जाता है और कार्बोनिल भी हमको नहीं मिलता, ठीक है. तो ये हो जाता है इस तरह से यहाँ पे डीसल्फराइजेशन. ये रिएक्शन में एक और रिएजेंट के साथ कर सकती हूँ, उसका नाम है निकेल बोरेट. इसमें क्या होता है, निकेल क्लोराइड और NaBH4 इससे फॉर्म होता है निकेल बोरेट. और वो क्या करता है, इसका डी प्रोटेक्शन कर लेता है एसिटल का, सल्फर एसिटल का. और यहाँ पे फिर से क्या फॉर्म होता है, इस तरह से फॉर्म हो जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है. एक और रिएजेंट है, उसका नाम है, मैं इसको ये इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है. ये है फर्स्ट रिएजेंट, फर्स्ट, ये है सेकेंड रिएजेंट और थर्ड रिएजेंट है हमारा NBU3SNH, ठीक है, टीन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AIBN. तो जब भी ये रिएजेंट्स प्रेजेंट होंगे और हमारा सल्फर एसिटल प्रेजेंट होगा तब वहां पे क्या होने वाला है, डीसल्फराइजेशन. और वहां पे वो सल्फर भी निकल जाएगा, वो साइक्लिक ग्रुप भी निकल जाएगा और कार्बोनिल भी हमको नहीं मिलेगा. वहां पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, और हमको इस तरह से ये मोलिक्यूल मिलेगा. और जब हमको कार्बोनिल वहां पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, HG मोलिक्यूल यूज करेंगे, ठीक है. सल्फर को जब भी हमको क्लीव करना होता है तब हम यूज करते हैं मर्क्यूरी का, ठीक है. तो HG का यूज करके इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका डी प्रोटेक्शन और हमको मिलेगा हमारा कार्बोनिल फ्री, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा एक प्रकार से एसीटोन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एसीटोन, यहाँ पे है इथेनॉल, यहाँ पे होगा DMF, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेंजीन, ठीक है, ये सारे सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया आज कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रोटेक्शन करेंगे और कैसे उनका डी प्रोटेक्शन करेंगे. तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्टडी किया प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मतलब क्या कार्बोनिल्स का हम लोगों ने प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन स्टडी किया. वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट्स देखे, प्रोटेक्टिंग स्पेसिस देखी, ठीक है, अल्कोहल से हो सकता है, डायल से हो सकता है, सल्फर से हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा. उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म देखे, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिक्स और टिप्स देखे कि कैसे हम लोग कौन से कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन होगा और कौन से कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन नहीं होगा, ठीक है. और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर सल्फर एसिटल फॉर्म हुआ होगा तो उसके डी प्रोटेक्शन के मेथड्स कौन कौन से
है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ भी केमिस्ट्री के बारे में, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपके कुछ सजेशंस हो मैं कौन से टाइप के वीडियोस बनाऊं, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।